हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और आज के वीडियो में मैं आपको टोरंटो की डिस्टिलरी डिस्ट्रिक्ट जहां पर क्रिसमस मार्केट लगती है वो कवर करूंगा। तो इस टाइम समर दस्ट हो रहे हैं और यहां पर बैरी में काफ़ी स्नो पड़ रही है। यार बैरी में ना स्नो पड़ती रहती है क्योंकि आउटस्कर्ट्स में, इसलिए यहाँ पर काफ़ी ठंड होती है। और तो अब मैं क्रिसमस मार्केट जाने के लिए 10:30 बजे बस पकड़नी है, तो अभी सिर्फ मेरे पास 15 मिनट का टाइम है। तो पहले मैं कुछ खाने के लिए ले लेता हूँ और वो पैक करवा के फिर ट्रेन में आराम से खाऊँगा। तो चलो मैं पहले कुछ खाने के लिए लेता हूँ। अब मैं सबवे आ गया हूँ और यहाँ से मैं फुटलॉन्ग पैक करवाता हूँ। अब फुटलॉन्ग तो पैक करवा लिया और अब बस का इंतजार कर रहा हूँ जो मुझे स्टेशन पर ड्रॉप करेंगी। तो गाइस अब ट्रेन तो आ चुकी है और मुझे अपना प्रेस्टो भी रिचार्ज करवाना है, तो जल्दी से रिचार्ज करके फिर बीच में बैठता हूँ और फिर चलते हैं यूनियन स्टेशन, वहाँ से फिर डिस्टिलरी डिस्ट्रिक्ट जाऊँगा। तो ये जो आप मशीन देख रहे हो यहाँ पर ही आप अपना कार्ड वगैरह रिचार्ज कर सकते हो। तो चलो मैं रिचार्ज करता हूँ। तो गाइज अब मैं टोरंटो पहुंच चुका हूं और अब मैं पहले जा रहा हूं हार्बर फ्रंट पे और उसके बाद मैं जाऊंगा डिस्टिलरी विलेज। तो ये देखो गाइज CN Tower के बिल्कुल सामने ही हार्बर फ्रंट है और यहां से ही बोट्स वगैरह मिलती हैं जो टोरंटो आइलैंड जाती हैं। और समर्स में तो काफ़ी मज़ा आता है यहां पर आने का, विंटर्स में तो यहां पर देखो बीच पर भी स्नो है और ना ही यहां पर कोई आपको मतलब इतना क्राउड दिखेगा क्योंकि समर्स में सारे यहाँ पर इंजॉय करने आते हैं, बट विंटर्स में बहुत कम लोग होते हैं। तो इस टाइम पे 2 बज रहे हैं और अब मैं जा रहा हूँ डिस्टिलरी मार्केट क्योंकि वहाँ पर 4 बजे से पहले की एंट्री फ्री है और 4 बजे के बाद वहाँ पर टिकट चार्ज करते हैं क्योंकि रात को वहाँ पर क्रिसमस ट्री लाइटिंग वगैरह होती है तो काफ़ी लोग आते हैं। और अगर मेरे पास रात को टाइम बचता हुआ थोड़ा तो फिर मैं ईटन सेंटर चले जाऊंगा, वरना बैरी वापस जाना पड़ेगा क्योंकि कल मेरा एग्ज़ाम भी है दोपहर को। तो मैंने उसके नोट्स वगैरह तो बैग में ही रखे हुए हैं, मैं ट्रेन में पढ़ भी रहा था। तो अब चलो चलते हैं डिस्टिलरी मार्केट। तो इसे देखो मैं विंटर विलेज में अब एंटर कर रहा हूँ। देखो इन्होंने इधर ऐसे काफ़ी छोटे से स्टॉल लगा रखे हैं जहाँ पर क्रिसमस ट्री डेकोरेशन या फिर खाने पीने का सामान मिल रहा है।
देखो भाई सब यहाँ पर कितना रश हो चुका है। ये देखो अपन अंधेरा हो चुका है और कितना प्यारा लग रहा है यहाँ से क्रिसमस ट्री। गाइस मैंने यहाँ पर तो काफ़ी इन्जॉय करा और अब मैं जा रहा हूँ ईटन सेंटर। गाइस अब मैं ईटन सेंटर में तो आ चुका हूँ पर मुझे पहले भूख लग रही है तो पीछे ही बर्गर किंग है, पहले वहाँ पर चलते हैं और उसके बाद फिर मैं अंदर जाऊँगा। सेंटर तो इतना बड़ा है कि आपको यहाँ पर हर ब्रांड मिल जाएगा जो भी आपको चाहिए, ज़ारा, H&M हो गया, पंडोरा हो गया, सब कुछ है यहाँ पर, गैप वगैरह। तो आप स्ट्रक्चर से ही देख सकते हो कि कितना बड़ा है। और अब मैं बाहर डंडा स्क्वायर पर जा रहा हूँ और फिर उसके बाद मैं यूनियन स्टेशन से फिर पैरी की ट्रेन पकड़ूँगा और फिर एग्ज़ाम की भी तैयारी करनी है, तो चलो चलता हूँ। तो गाइज इस टाइम रात के 11:15 हो रहे हैं और अब मैं बैरी पहुंच चुका हूं और अब सिर्फ एडिटिंग वगैरह करनी बाकी है जो मैं कपड़े वगैरह चेंज करने के बाद आराम से करता हूं। एंड होपफुली आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज़, बाय।